ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए स्वामित्व योजना का स्वरूप और बढ़ते दायरे पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। गांवों में योजनाबद्ध विकास और लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलवाने के उद्देश्य से पिछले साल सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी। ड्रोन और अत्याधुनिक तकनीकों से इस योजना के तहत संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जाता है, उनका माप लिया जाता है और जमीन के माप की सटीक जानकारी को डिजिटाइज किया जाता है और जिसका की एक प्रमाण पत्र लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है। कल प्रधानमंत्री ने इस संबंध में मध्य प्रदेश के स्वामित्व योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया था। तो इस योजना पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य। स्वागत है आपका। तो सबसे पहले हम आपसे इस योजना को विस्तार से समझना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति को औपचारिक रूप देने में, उसे डिजिटाइज करने में, एक तरह से हम कहें कि लैंड रिफॉर्म में इस योजना से मदद मिल रही है। जो लैंड रिफॉर्म की आपने बात कही, हमारे देश में जो अवस्था जो है, करीबन 6.5 लाख गांव देखें आप, जो सरकार के 2011 के सेंसस में ये नंबर थी कि हमारे देश में करीबन 6.5 लाख गांव हैं और उन गांव के आबादियों में जो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स होती हैं उनकी रूपरेखा जो है वो बहुत ही असंगठित है और डिजिटाइज नहीं है। और अगर आप लैंड रिकॉर्ड देखें तो उसमें स्वामित्व किसके पास क्या है वो साफ नजर नहीं आता है। बहुत कम ऐसे प्रदेश हमारे देश में हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में एक अच्छा काम किया गया था जहां पे लैंड रिकॉर्ड की जो डिजिटाइजेशन करने से उनमें काफी लाभ आया था। पर ये जो परियोजना जो है सरकार का स्वामित्व, इसमें 2-3 चीज उल्लेखनीय है। पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसी एक योजना है जिसमें केंद्र सरकार के साथ पंचायती राज जो मिनिस्ट्री जो है उसके साथ प्रदेश के गवर्नमेंट सरकार की पूरी एक कोलैबोरेशन से ये प्रोजेक्ट चालू की गई है। इसमें स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इसमें स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट है और इसमें सर्वे ऑफ इंडिया जो कि एक केंद्रीय संस्थान है। तो ये चारों संस्थाओं की एक कोलैबोरेशन से ये काम चल रहा है और ये शुरुआती दौर से ये 9 प्रदेशों में काम शुरू किया गया और भी प्रदेशों में प्रसार हो रहा है। और इसमें जैसे आपने कहा, एक तो है कि लैंड रिकॉर्ड जल्दी मिल सकती है आपको, दूसरा ये है कि उस लैंड रिकॉर्ड के अगेंस्ट में आर्थिक सहायता आपको मिल सकती है, उसकी एक बहुत बड़ी सुविधा है आपको। आपका एक जो एसेट जो है उसके अगेंस्ट में आपको क्या क्या सुविधा मिल सकती है वो एक बहुत बड़ा है। और उसके साथ साथ सरकार को और पंचायत संस्थाओं को जो प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने में और उससे रेवेन्यू अर्न करने में जो दिक्कतें आती थी उसमें काफी सुविधा हो सकती है। तो मैं मानता हूं कि ये चारों लैंड रिकॉर्ड, फाइनेंशियल एसेट्स, तीसरी बात ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और चौथी बात जो आपकी ग्राम पंचायत विकास योजना का जो एक उसको आगे बढ़ाना, ये काम आएगी। प्रसार देखें, अभी तक जो करीबन 7,500 गांवों में जो कार्ड जो है ये ऑलरेडी उन्हें वितरण कर दिया गया है और 15,000 गांवों में ये काम अभी भी चालू है। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही कम समय में ये काम ड्रोन की सहायता से, चौकिंग होती है, चूना मार्किंग होती है, उसके बाद ड्रोन सर्वे होता है, फिर उसके बाद वो मैप को प्रदेश सरकार को दिया जाता है, उसके बाद एक इंक्वायरी होती है सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, फिर स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ इंक्वायरी होती है, स्टेट पंचायती डिपार्टमेंट के साथ बात होती है। तो ये सब सांझे का काम है। मैं समझता हूँ कि जो ग्रामीण लोग हैं वो इससे आर्थिक रूप से और भी सशक्त होने की उम्मीद हम रख सकते हैं। आपने जैसा कि कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में इस योजना से मदद मिलेगी और प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कल कहा था कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्या रही है कि वहां जमीन के सही माप या सही सर्वेक्षण न होने की वजह से जो गांवों की अर्थव्यवस्था की क्षमता है उसको नहीं पहचाना जा सका है। लेकिन जब भारत में तेज गति से अब इस योजना के तहत जमीन का सर्वेक्षण किया जा रहा है, एक आंकड़ा ये भी है कि करीब 22 लाख प्रॉपर्टीज का माप हो चुका है और उनको कार्ड दिए जा चुके हैं, तो जिस तेज गति से ये पूरी योजना चल रही है उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और दुरुस्त करने में और संभावनाएं तलाशने में किस तरह से मदद मिलेंगी और कैसे निजी तौर पर एक ग्रामीण व्यक्ति को और पूरे ग्रामवासियों को इससे लाभ होने वाला है। जमीन जो है, जो एसेट आपके पास है,
वो किस तरह से आपके पास है। अगर वो कच्चे कागज में है, जिसकी कोई रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है, या सरकार के पास उसका एक्सेस जो अपनी फाइल से मिल सकती है, पर जो चीज ऑनलाइन अगर जो बन सकती है उसमें काफी सुविधाएं आती हैं। इसमें काफी चैलेंजेस भी आ सकती हैं, क्योंकि जो ग्रामीण लोग जो हैं उनको डिजिटली शिक्षित होना है, डिजिटल लिटरेसी में थोड़ा बहुत उनको आगे बढ़ना है। पर अगर आप डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाएं, कि जो लैंड रिकॉर्ड को अगर आप डिजिटाइज करके और उसकी रिकॉर्ड को बनाने में और जो जमीन का जो आपका पट्टा जो है वो डिजिटाइज होकर वो आपके पास एक डिजिटल रिकॉर्ड बन जाता है, आपके पास एक कार्ड बन जाता है, उससे क्या होता है कि आप उसी कार्ड से आपकी जीवन यात्रा में आर्थिक उपयोगी जो चीजें हैं उसको मिलने में आपको सहायता होती। ये तो हुई ग्रामीण लोगों के लिए। दूसरा जो एक आयाम जो है, क्योंकि ये ड्रोन से जीआईएस मैपिंग हो रही है, उससे क्या होता है कि इस वक्त हमारे पास गांव-गांव में जो जियोग्राफिकल डेटा जो है वो पूरी तरह से हमारे पास नहीं है। दो चीज से हमें सहायता मिल सकती है। पहली बात तो यह है कि आपको 6.5 लाख गांव की जियोग्राफिकल सिचुएशन जो है, कहाँ फ्लड्स ज्यादा आती हैं, कहाँ पे सूखा पड़ता है, वो सारे चीज जो जीआईएस मैपिंग जो है उससे आपको मालूम पड़ेगा। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे कि ना कि जो ग्रामीण लोग जो हैं उनको एक कार्ड मिलेगा, जिस कार्ड में ऑनलाइन से आपको एंडोर्स करके आपको एक एसेट का प्रूफ मिलेगा, कार्ड के अगेंस्ट आपको काफी लोन्स मिल सकती हैं, काफी सुविधाएं मिल सकती हैं। जो डेवलपमेंट एजेंसी जो हैं उनके पास ये बहुत बड़ा एक पॉलिसी टूल होगा। ये तो ये सारे चीज जो है ये ड्रोन मैपिंग से, जीआईएस मैपिंग से ये सुविधा उपलब्ध हो सकती है। और जैसे मैंने कहा कि जो पंचायती विकास योजना सरकार ने चालू की थी उसका ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हमने देखा, पर इस प्रोजेक्ट के बाद जो पंचायती डेवलपमेंट प्लान उसमें काफी इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। और कल जब प्रधानमंत्री ने कई लाभार्थियों से बात की तो उन्होंने अपने अनुभव साझा किए कि जब उन्हें अपनी संपत्ति का अधिकार मिल गया तो उसके बाद उन्होंने ऋण लिया, जिसका आपने जिक्र भी किया, तो जो बैंकों से और वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने में इस योजना के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को किस तरह से मदद मिलेगी और कैसे वो अपनी जमीन के विवादों को सुलझाने में और साथ ही जो जमीन की सुरक्षा है उससे जुड़े खरीद बेच है उस प्रक्रिया को पूरा करने में किस तरह से इन चीजों में भी फायदा होने वाला है इस योजना से। विवाद ज्यादातर उसी बिंदुओं के ऊपर आधारित होते हैं जहां पे रिकॉर्ड साफ न हो और वो रिकॉर्ड एक ऐसी तरह उपलब्ध न हो जो कि सरकार का हर स्तर में ये उपलब्ध हो। अभी तक जो हुआ रहा है कि वो ये आपके पास एक जमीन का एक लैंड रिकॉर्ड है, वो किसी गांव में है किसी गांव में नहीं है, वो रिकॉर्ड आपकी एक फिजिकल एक पीस ऑफ पेपर है और उस पीस ऑफ पेपर को आप दिखाते हैं, अगर वो मान लीजिए वो आपका डॉक्यूमेंट वो हाथ से चला गया है, दूसरे कॉपी को लेना आपके लिए समझ लीजिए असंभव होता है। पर इस सिस्टम में क्या होगा कि ये डिजिटलाइज हो जाएगा और ये जो कार्ड आपको मिलेगा वो कार्ड गुम होने से भी आपकी जो संपत्ति की जो आपके मालिकाना है उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं आए। और ये कार्ड का मान लीजिए आप बैंक से उसके अगेंस्ट में आप लोन लेते हैं, बैंक वो नंबर लेगी और अगर कार्ड ले भी ले तो जो संपत्ति गंवाने की जो एक ग्राम में जो एक डर है, डर का जो संशय भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये एक डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा और ये आपकी कार्ड जो है कार्ड के अगेंस्ट जो लोन दिया जाएगा उसमें सारे सरकारी स्तरों में ये इसका रिकॉर्ड स्थापित हो जाएगा। जो बहुत सारे गबन जैसे चीज होते हैं, जो फ्रॉड होते हैं, वो मैं समझता हूँ कि इसमें कम हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन एक कार्ड जो आपकी प्रॉपर्टी को प्रूफ करता है ग्रामीण जीवनों में को सहज बनाने में बहुत मदद देगी। मिस्टर भट्टाचार्य, आप कार्यक्रम में जुड़े और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने बांटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे स्वामित्व योजना का स्वरूप और बढ़ते दायरे पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।